विक्रांत रोना में जैकलीन फर्नांडिस का क्या रोल होने जा रहा है, किस तरह जैकलीन की मौजूदगी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, जैकलीन के स्पेशल अपेयरेंस को फिल्म में किस तरह इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। करंट टाइम्स में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक काफी बड़े चेंज से गुजर रही है, जहाँ रीजनल एज वेल एज मेन स्ट्रीम सिनेमा के बैरियर धीरे धीरे टूटते हुए दिख रहे हैं। इंडियन ऑडियंस में छाया है पैन इंडिया रिलीज का खुमार, इसीलिए डिफरेंट सिनेमा इंडस्ट्री में एक्टर स्वैप रेगुलरली देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रॉसओवर एडिशन में लेटेस्ट नाम जुड़ गया है बी नाम एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का, जो कि करने जा रही हैं अपना कन्नड़ डेब्यू फिल्म, और उसमें इनके रोल के बारे में जानेंगे बहुत जल्द मेरे यानी कि सिमरन ग्रोवर के साथ। आप देखते रहिए बॉडी क्रैक स्टूडियोज। जैकलीन फर्नांडिस ने बॉलीवुड में अपना सबका जमा ही लिया है, पर अब ये एम कर रही हैं एक पैन इंडिया स्टार बनने का, और इसी की शुरुआत होगी इनकी कन्नड़ डेब्यू फिल्म विक्रांत रोना से। किचा सुदीप अक्का बादशाह की सुपर हीरो फिल्म बीके में जैकी एक गेस्ट अपेयरेंस और एक छक्का चांस परफॉर्मेंस करने जा रही है। गेस्ट अपेयरेंस सुनके तो यहाँ मत समझिएगा कि वो एक छोटा मोटा रोल है, जी हाँ, क्योंकि फिल्म के नरेटिव में ये रोल और सॉन्ग काफी पिवोटल बताया जा रहा है। ये स्मॉल रोल जैकलीन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अगर स्मॉल एडवर्टाइजर रोल नेटिव कन्नड़ ऑडियंस को खा गया तो मे बी हम इन्हें मेन स्ट्रीम फुल फ्लेज रोल में भी करते हुए देखेंगे, और मे बी इवेंचुअली तमिल तेलुगु मलयालम डेब्यू के लिए भी रास्ता खुल जाए। लेकिन इनसे ज्यादा कैमियो की जरूरत विक्रांत रोना टीम को ज्यादा है, क्योंकि बॉलीवुड स्टार वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी के मामले में अभी भी रेस में काफी ज्यादा आगे है। मे बी एक स्टार एक्ट्रेस का इंक्लूजन हिंदी एज वेल एज अब्रॉड ऑडियंस को कैप्चर कर जाए, क्योंकि बीके 50 प्लस कंट्रीज में रिलीज हो रही है। तो वही जैकलीन ने फिल्म में एक क्रूशियल डांस सॉन्ग परफॉर्म करवाया जाएगा, जो कि मॉडर्न डे सिनेमा में एक मस्ट एलिमेंट बन चुका है। यही मंत्र केजीएफ चैप्टर 1 में भी ताबड़तोड़ साबित हुआ था, जहां एक स्पेशल आइटम सॉन्ग गली गली के लिए मोनी रॉय को फीचर किया गया था। वैसे तो बादशाह फीचर हिंदी ऑडियंस में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लेकिन जैकलीन के साथ एक स्पेशल हिंदी आइटम सॉन्ग हिंदी ऑडियंस को कुछ खास ही ज्यादा पसंद आने वाला है, जो कि अल्टीमेटली फिल्म की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी। पॉसिबली इसी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के पोटेंशियल को फुली कैप्चर करने के लिए ये काफी प्लान की गई है। तो विक्रांत रोना एक कॉमिक बुक कैरेक्टर फैंटम से इंस्पायर्ड, और आसान शब्दों में कहूँ तो सुपर हीरो मूवी है। तो यहाँ जैकलीन का कैमियो कितनी इम्पोर्टेंस रख सकता है? शायद जैकी का कैरेक्टर को मिडवे और क्लाइमैक्स की तरफ इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जहाँ सिचुएशन क्लिफ हैंगर पर छोड़ दी जाए, और ये भी हो सकता है कि विक्रांत की तरह ही जैकी का कैरेक्टर भी सुपर नेचुरल पावर रख सकता हो और वो विक्रांत की क्रूशियल टाइम पे हेल्प करने पहुंचे। मे बी इन दोनों सुपर हीरोज का कोई पुराना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी प्लान किया गया हो, लेकिन फर्स्ट पार्ट में कैमियो करवा के मे बी इसे सेकंड पार्ट में एक्सप्लोर किया जाए। शायद इस सुपर वुमन के कैमियो अपीयरेंस से हमें ना केवल एक सुपर हीरो बल्कि एक न्यू सुपर वुमन भी मिल जाए। होप सो। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और हाँ, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल बॉलीक्रैक स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।